थ्री डेज बैक मैंने लुटके से कॉमेडी मूवी देखी एंड सिंस दैट डे मैं यही सोच रहा हूँ कि व्हाट हैपेंड टू बॉलीवुड कॉमेडी एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम एवरेज कॉमेडी मूवी जिसे एक बार देखने के बाद आप फिर से कभी देखना पसंद नहीं करोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिक बॉलीवुड फैमिली कॉमेडी जिन्हें हम आज भी देखते हैं टीवी पे। आज भी जब भी ये मूवीज लगती है टीवी पे तो हम अपने टीवी का चैनल चेंज ही नहीं कर पाते। क्यों ऐसी मूवीज आजकल नहीं बन रही? क्या बॉलीवुड भूल चुका है एक अच्छी कॉमेडी मूवी बनाना? नाउ बहुत सारे लोग पूछेंगे कि एक अच्छी कॉमेडी मूवी होती क्या है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कॉमेडी मूवी वही है जिसका रिवॉच वैल्यू सबसे ज्यादा हो, जिन्हें आप बार बार देख लो फिर भी वो आपको कभी बोर नहीं करेंगी और आपको हमेशा हंसाएंगी, जैसे अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, वेलकम। एंड यहाँ पे मैं प्योर कॉमेडी मूवीज की बात कर रहा हूँ, ना कि राजकुमार हिरन स्टाइल कॉमेडी मूवीज की। मैं यहाँ पे उन कॉमेडी मूवीज की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम टीवी पे फैमिली के साथ देख के एंजॉय करते थे, जैसे धमाल, हंगामा, हलचल, जिन्हें देख के हम जोर जोर से हंसते थे। क्या आपको याद है कि आप लास्ट टाइम कौन सी नई कॉमेडी मूवी देख के इतना जोर से हंसे थे? क्यों बॉलीवुड आजकल सिर्फ कॉमेडी के नाम पे सिर्फ अडल्ट कॉमेडी ही दिखा रहा है ऑडियंस को? क्यों बॉलीवुड आजकल सिर्फ हाउसफुल 4 जैसी इलॉजिकल एंड एवरेज कॉमेडी मूवी ही बना रहा है? अभी आप में से बहुत सारे लोग ये कहोगे कि हाउसफुल सीरीज अच्छी है, फैमिली इंटरटेनर, मसाला मूवी है, तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप हाउसफुल 4 जैसी मूवीज बार बार देख सकते हो, जैसे आप हेरा फेरी, आवारा पागल है दीवाना या छुप छुप के जैसी मूवीज देखते हो वैसे? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप आजकल की कोई भी कॉमेडी मूवी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो जिसमें इतने सारे अडल्ट जोक्स होते हैं? नाउ जब भी कॉमेडी मूवीज की बात आती है तब सबके दिमाग में एक नाम तो जरूर आता है, वो है प्रियदर्शन, जो कि बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिन्होंने बॉलीवुड को बेस्ट कॉमेडी मूवीज बना के दी है, जिन मूवीज को आज भी कई टीवी चैनल्स पे चलाया जाता है टीआरपी के लिए। आज भी मुझे उनकी जो भूल भुलैया मूवी है उसमें अक्षय कुमार की जो एंट्री है उस पर उतनी ही हंसी आती है जितनी मुझे फर्स्ट टाइम देख के मूवी में आई थी उतनी। आज भी हेरा फेरी के राजू, श्याम, बाबूराव के सीन्स देख के उतनी हंसी आती है हमें। आज भी हम चुप चुप के मूवी के राजपाल यादव के सीन्स देख के उतना ही जोर से हंसते हैं। क्या आपको याद है कि आप लास्ट टाइम किसी कॉमेडी मूवी को देख के इतना कब हंसे थे? और गोलमाल के पहले मूवी के बाद कोई भी आगे के गोलमाल के पार्ट हमें उतना हंसा नहीं पाए जैसे पहले के गोलमाल ने हंसाया था वैसे। ऐसा क्यों? क्योंकि गोलमाल वन के जो राइटर है वो है नीरज वोरा। नीरज वोरा वही है जिन्होंने फिर हेरा फेरी लिखी है एंड डायरेक्ट की है। नीरज वोरा ने ही गोलमाल वन लिखी थी एंड यही उस मूवी की सबसे बड़ी वजह है सक्सेस होने की। हमें एक अच्छे राइटर की बहुत ज्यादा जरूरत है जो कॉमेडी को समझ सके, जिसे मालूम हो कि कॉमेडी सिर्फ अडल्ट जोक करने से ही नहीं होती। एंड क्यों हमें राजपाल यादव जैसे कॉमेडी एक्टर आजकल नजर नहीं आते? एंड क्या बॉलीवुड में राइटर्स नहीं बचे जो अच्छी कॉमेडी मूवी लिख सके? क्या 1.33 बिलियन के पॉपुलेशन के कंट्री में कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं है कि वो एक अच्छी कॉमेडी मूवी लिख सके? तो ऑफ कोर्स नॉट, हमारे कंट्री में टैलेंट भर भर के है एंड बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स भी हैं। क्या हमें फ्यूचर में एक अच्छी कॉमेडी क्लीन मूवी देखने मिलेगी जिसे हम फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, जिसमें ज्यादा अडल्ट सीन्स ना हो थिएटर में, नहीं तो एटलीस्ट OTT पे? तो इसके लिए एज अ ऑडियंस हमें क्या करना चाहिए? तो मैं सिर्फ उसमें इतना ही कहूंगा कि हमें एवरेज मूवीज जो है, एवरेज कॉमेडी मूवीज, उन्हें देखना टोटली बंद कर देना चाहिए। तो गाइस मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप मेरे इन क्वेश्चंस पे क्या सोचते हैं एंड आपकी कौन सी कॉमेडी मूवीज है जो आपकी फेवरेट है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, और मुझे आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू। And sit down.